अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी पालक पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और ये एक छोटा प्याज लिया है और एक छोटा टमाटर है, यहाँ पर दो हरी मिर्च है और इसी के साथ मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है और एक छोटा 1 इंच टुकड़ा अदरक का है और एक छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ये पानी बॉयल कर लिया है। अब इस बॉयल पानी में मैंने ये पालक के पत्ते ऐड कर दिए हैं। बस हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक के बस ऐसे ही हल्का सा गर्म पानी में पका लेंगे और उसके बाद हम इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पालक बस हो गई है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। गर्म पानी में पालक को बॉयल करने से पालक का कलर ऐसे ही हरा बना रहता है, ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, पालक को मैंने एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक के यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया था। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये जो ज़ीरा मैंने आपको दिखाया था इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। प्याज को हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो मैंने इसमें यहाँ पर ये लहसुन अदरक हरी मिर्च वगैरह सभी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी चीज़ों को। और यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्च वगैरह काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे टमाटरों को। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है टमाटर सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ पर 1 मिनट हो गया था, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो ये सभी चीज़ें अब हम बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए तेल में जो पनीर मैंने आपको अभी दिखाया था उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, इसे फ्राई करेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा करेंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये रबड़ जैसा हो जाएगा, तो बहुत ही लाइट सा मैंने फ्राई किया और पनीर हमारा फ्राई हो गया है तो मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर पनीर को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसी के साथ यहाँ पर ये पालक हमारा ठंडा हो गया था और साथ ही में ये अदरक लहसुन और प्याज वगैरह भी ठंडी हो गई थी तो यहाँ पर मिक्सर का जार मैंने ले लिया है और इसमें मैंने पालक ऐड कर दिया है। और साथ ही में ये जो प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्च वगैरह मैंने फ्राई किया था ये भी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों का मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, फाइन पेस्ट। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दोबारा से रख दी थी और इसमें थोड़ा सा और 2 से 3 चम्मच तेल ऐड किया था। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। बस अब सभी मसालों को हम अच्छे से 1 से 2 बार हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले भून गए थे तो ये जो पेस्ट बना के मैंने रखा था इसमें ऐड करेंगे। और ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक और टमाटर प्याज वगैरह मैंने पहले ही इसमें कुक कर लिया था तो बस हम इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे।
2 से 3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच भर के नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और मिर्च भी। और यहाँ पर इसी के साथ मैंने एक से दो पिंच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली थी तो वो भी इसमें ऐड किया है। आपके पास अगर फ्रेश मलाई हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। क्रीम को ऐड करने के बाद हम इसे चला लेंगे और इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक के पका लेंगे। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। बस अब सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैंने ये पनीर इसमें ऐड कर दिया है। पनीर को ऐड करने के बाद हम इसे बस 1 से 2 बार चला लेंगे और देखिए इसमें से तेल रिलीज़ हो गया है। और यहाँ पर हमारा पालक पनीर बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और आइए इसे एक बोल में सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पालक पनीर बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। मैंने इसे क्रीम से गार्निश किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में जल्दी मिलूँगी। तब तक के बाय। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।